आज चलते हैं वृंदावन के सबसे बड़े मंदिर जो है सोने का खंबा वाला मंदिर के नाम से मशहूर श्री रंगनाथ जी टेंपल, श्री रंग जी मंदिर वृंदावन। आज इस वीडियो में पूरा मंदिर कवर करेंगे और देखेंगे सोने का खंबा भी और देंगे आपको मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन धाम में है। मंदिर में श्री रंगनाथ जी, श्री रंग जी यानी भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं। जय श्री रंगनाथ जी। मंदिर की चतुर्थ परिक्रमा के विशाल प्रांगण में सोने का खंभा जो कि 60 फीट ऊंचा है और पूरा का पूरा सोने से जड़ित है, वो भी देखने को मिलेगा। ये मंदिर का 7 मंजिली ऊंचा शिखर है। इस मंदिर को 1851 में एक जैन कारोबारी ने बनवाया था। इसे ऐसा बनाया गया है जिससे यहाँ आकर लगता है कि हम दक्षिण भारत के किसी मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। ये मंदिर मद्रास के रंगनाथ मंदिर की शैली के मानचित्र के आधार पर बना है। मंदिर की बाहरी दीवार की लंबाई 773 और चौड़ाई 440 फीट है। मंदिर में एक सुंदर सरोवर और एक बाग भी है। साल में एक बार इस मंदिर का बैकुंठ दरवाज़ा खुलता है। मान्यता है जिसने भी इस दरवाज़े को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। आइए आप भी मेरे साथ मंदिर में दर्शन कीजिए। मंदिर में 7वें दरवाजे का नाम बैकुंठ दरवाज़ा है। वह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन ही खुलता है। इस दिन सुबह 4 बजे मंगल आरती के लिए दरवाज़ा खुलता है और भगवान की 11 पालकी इसी दरवाज़े से मंदिर के अंदर जाती हैं। पालकी के साथ हजारों लोग इस दरवाज़े से प्रवेश करते हैं। मान्यता है जिसने भी बैकुंठ दरवाज़ा पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं सोने का खंभा। दोस्तों, यही है वो सोने का खंभा जिसके कारण ये मंदिर सोने का खंभा वाला मंदिर के नाम से, पिलर ऑफ गोल्ड टेंपल के नाम से मशहूर है। दोस्तों, सोने का खंभा यानी पिलर ऑफ गोल्ड की हाइट 60 फीट है और ये मंदिर के आंगन में लगा हुआ है। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और ये वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है और हो सकता है आप मंदिर में प्रवेश करने के बाद बाहर जाने का रास्ता भी भूल जाएं। देखिए मंदिर की सुंदरता। मंदिर में एक वाहन घर और एक शीश महल भी है। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम आपको मंदिर का वाहन घर भी दिखाएंगे। इस वाहन घर में आपको स्वर्ण के सूरज, गरुड़, श्री हनुमान जी, घोड़ा, हाथी इत्यादि देखने को मिलेंगे।
दोस्तों, इस मंदिर में बहुत कुछ है देखने को। वाहन दर्शन के बाद आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं साल में एक बार वैकुंठ दरवाज़ा खोलने के पीछे की कहानी। दोस्तों, श्री रंगजी मंदिर से जुड़े रामेश्वर बताते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन पूजा करने का लाभ पूरे साल होने वाले 11 एकादशी के बराबर मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में राक्षस देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहे थे। देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने देवताओं से विष्णु के पास जाने को कहा। तब भगवान विष्णु मदद के लिए तैयार हुए और राक्षस मुरान से 1000 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद विष्णु भगवान को आराम की जरूरत पड़ी। वह वैकुंठ आश्रम में हिमावती गुफा में सोने गए। तभी राक्षस मुरान ने विष्णु भगवान पर हमला करना चाहा। इसी दौरान विष्णु भगवान के शरीर से देवी निकली। शक्ति ने राक्षस मुरान को हरा दिया। जब भगवान विष्णु जगे तो वह खुश हुए और देवी का नाम एकादशी रख दिया। तब देवी ने वरदान मांगा कि अगर कोई इस दिन व्रत करेगा तो सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। विष्णु भगवान ने मांग पूरा करते हुए कहा कि इस दिन वैकुंठ लोक का दरवाज़ा खुला रहेगा। इसी कथा को लेकर श्री रंगनाथ मंदिर व तिरुपति बालाजी मंदिर में वैकुंठ दरवाज़ा बना है। यह सिर्फ वैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है और इसे साल में एक बार पार करने से माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु वैकुंठ लोक का दरवाज़ा खोलते हैं। इसी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री रंगनाथ जी मंदिर और वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में एक दरवाज़ा इसी तरह का बना होता है, जिसको साल में एक बार ही खोला जाता है। और इस दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है और हर कोई दरवाज़ा पार करना चाहता है। ये मंदिर में भगवान के 10 अवतार की लीलाओं की झांकियां हैं। इस झांकी में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अवतार। रावण वध। भगवान श्री राम की राजगद्दी।
झांकियां देखने के बाद अब हम आपको मंदिर का सरोवर दिखाते हैं, तो आइए मेरे साथ। श्री रंगनाथ जी मंदिर, सोने के खंभा वाला मंदिर का सरोवर। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री रंगनाथ जी।